दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसको अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इस बेरोज़गारी के दौर में जहाँ 10,000-15,000 की नौकरी के लिए लोग अपना घर परिवार छोड़कर दूर किसी अनजान शहर में जाते हैं, तो अब आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की। और आप इस बिज़नेस को अपने घर से चालू कर सकते हैं, ना ही आपको किराए की दुकान लेने की ज़रूरत है, ना ही कहीं ऑफिस लेने की ज़रूरत है। इस बिज़नेस को आप घर से बड़े आराम से किया जा सकता है। और ये स्लीपर का बिज़नेस, इस चप्पल का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो आज की डेट में हॉट सेलिंग व्यापार है। और इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हर कोई इस चीज़ को यूज करता है। चप्पल का हर एक इंसान चप्पल पहनता है। और इस बिजनेस में आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर कोई भी काम करना आज संभव नहीं है। और इस बिजनेस में आपका बहुत ही कम अमाउंट लगेगा और अपने घर से इस बिजनेस को आप चालू भी कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने में आपको दो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहली अपॉर्चुनिटी तो ये मिलती है कि इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो आपका कोई आइटम ख़राब नहीं होगा, कि बासी हो गया, ख़राब हो गया, या कि एक्सपायर भी नहीं होता है। आपके अंदर ये डर नहीं रहेगा कि यार मेरा जो भी सामान रखा है वो कहीं एक्सपायर ना हो जाए। और दूसरी अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये है कि इस जो भी आपका आइटम है चप्पल, ये हर एक व्यक्ति यूज करता है, हर एक व्यक्ति इसे पहनता है, ये लोगों की ज़रूरत है। इसलिए ये बिजनेस आए दिन डेली दिन प्रतिदिन इसको बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि इस बिजनेस को कभी नीचे नहीं आना। अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो इस बिजनेस को हमेशा ग्रो ही करना है। और आप इस बिजनेस से जुड़कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लाखों रुपए महीने कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं एक आपको नॉर्मल सी छोटा सा उदाहरण दूंगा, जिससे आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि 70-75 हज़ार रुपये महीना तो नॉर्मल एक, अगर आप किसी भी लड़के को 5-6 हज़ार में एक लड़के को हायर कर लेंगे और कहीं भी किसी भी शहर के किसी भी कोने में एक लड़के को आप खड़ा कर देंगे और एक छोटा सा स्टॉल आता है जो ठेला, उसमें ये चप्पल रख के अगर आप उसको खड़े कर देते हैं तो एक ठेले से 100-200 चप्पल बिकना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बड़े आराम से कहीं भी कोई भी अगर दुकान लगाता है मार्केट के बीच में तो 100-200 चप्पल बड़े आराम से बिकती हैं। और ये चप्पल आपकी टोटल कुल पड़ेगी आपको 25 रुपये में कंप्लीट होके। और नॉर्मल चप्पल की स्टार्टिंग तो 15 रुपये से हो जाती है, लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी की चप्पल लेंगे तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की चप्पल आपको 25 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। देख रहे हैं आप कैसी चप्पल बन रही है। ये चप्पल आपको पूरी स्ट्रिप सहित पूरी कंप्लीट आपको 25 में पड़ेगी। और अगर कोई बंदा अगर 100 चप्पल भी बेच लेता है तो 2500 रुपया उसको बड़े आराम से बचेगा, क्योंकि अगर मार्केट में खड़ा होकर 50 की ही बेचेगा तो बड़े आराम से 50 में बिक जाएगी और आपकी 25 की खरीद मतलब बना के पड़ेगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट 25 की पड़ेगी और 50 में बड़े ही आराम से बिक जाएगी। तो अगर 100 जोड़ी भी चप्पल अगर आपकी बिक जाती है तो 2500 रुपया आपको डेली बचेगा। और आपको वहाँ रहना भी नहीं पड़ेगा, आपको गिन के माल देना है, किसी लड़के को खड़ा कर दीजिए। और अगर एक लड़का 100 चप्पल बेचता है किसी भी ठेले में लेके कहीं भी मार्केट में खड़ा हो जाता है तो आपको 75,000 रुपये 2,500 रुपये डेली के हिसाब से, 2500 डेली के हिसाब से आप एक महीने का लगा लीजिए तो 75,000 रुपये महीना होता है। मैं कहता हूँ लड़के को अगर आप पेमेंट 10,000 भी देते हैं तो आपको 65,000 रुपये एक लड़का कमा के देगा। और इसका आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकते हैं चप्पल की। और ये बिजनेस हमेशा ग्रो करने वाला बिजनेस है। अगर आप इसी तरह 2-4 लड़के और लगा दिए तो 2 लाख रुपया महीना कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक कमाते हैं, जो मेरी जानकारी में है। एक राजकिशोर नाम का लड़का है, वो पिछले साल बिजनेस किया है, आज 3.5 लाख रुपया महीना इस बिजनेस से कमा रहा है। पहले वो एक मशीन लिया था, वो ऑटोमेटिक मशीन रखा है, पहले मैनुअल ले गया था लेकिन मैनुअल से काम नहीं चल पाया था। और मैनुअल मशीन में आपको खुद काम करना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन ऐसी होती है जिसमें
कोई भी व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता वो भी कर सकता है, और उसमें मेहनत भी नहीं लगती और प्रोडक्शन भी अच्छे हाई लेवल में होता है, ज़्यादा होता है। मैनुअल मशीन की स्टार्टिंग रेंज 9,500 से स्टार्ट हो जाती है। मैनुअल मशीन जो चप्पल को काटती है, उसके साथ डाई भी आती है, तो उस मशीन की स्टार्टिंग प्राइस 9,500 से हो जाती है, और उसके बाद लगभग 1.5 लाख रुपया तक आपको मशीन तरह तरह की मिल जाती हैं। पर अगर मेरी आप राय लेंगे तो मेरा मानना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 35,000-45,000 की मशीन आती है, आप ऑटोमेटिक मशीन ही लें, क्योंकि मैनुअल मशीन में आपको खुद उसको काटना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपका हो पाएगा 200 जोड़ी। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो इससे कम से कम 8 घंटे में 1,000 जोड़ी आपकी प्रोडक्शन होगी, और इसमें आप खुद का प्रिंटिंग करवा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, और आप अपनी खुद की कंपनी की चप्पल लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकते हैं। इस मशीन को लगाने के बाद आपकी फैक्ट्री खुल जाएगी, उसके बाद आप अपनी खुद की कंपनी का चप्पल बनाइए और खुद की कंपनी का अच्छी क्वालिटी में चप्पल बनाइए, भले महंगा दें लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा दें, जिससे कि आपका नाम चले। जो आज मार्केट में जिनका नाम चल रहा है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और अपने कस्टमर और अपने लोगों के बीच में उन्होंने अपना नाम ऐसे बनाया है क्योंकि वो अच्छे आइटम दिए हैं। भले आप कस्टमर से 10 रुपये ज़्यादा ले लें, लेकिन आप अच्छा माल देंगे तो वो दोबारा आपके पास लौट कर आएगा और वो ज़िंदगी भर के लिए आपका एक ज़बरदस्त कस्टमर बन जाएगा। लेकिन आप अगर 10 रुपये ज़्यादा किसी को कमा ही लेंगे और अगर उसको थर्ड क्लास का माल दे देंगे तो वो एक ही बार लेगा, दोबारा आपके कंपनी चप्पल नहीं खरीदेगा। तो अगर आपको अपनी कंपनी चलाना है तो बेस्ट प्रोडक्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी कस्टमर आपका बनेगा वो हमेशा के लिए बन जाएगा और आपकी कंपनी का नाम भी होगा। अगर कोई भी अच्छा प्रोडक्ट कोई ले जाता है सपोज करिए और उसका अच्छा चलता है तो माउथ पब्लिसिटी बहुत हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम ले आए कोई भी चप्पल किसी भी कंपनी की, एक कंपनी की बहुत ख़राब हुई तो आदमी 4 लोग खड़े रहते हैं तो बोल देते हैं कि अरे यार ये कंपनी की चप्पल बहुत ख़राब होती है। लेकिन वहीं अगर हमको अच्छी चप्पल मिल जाती है तो नॉर्मली जनरल में आदमी बोल देता है कि यार ये कंपनी की चप्पल है, बहुत शानदार चप्पल है, अच्छी चल रही है। तो उनके ही मन में आपकी कंपनी का दिमाग बैठ जाएगा कि नहीं मैं भी लूँगा तो उसी कंपनी की लूँगा। ये सबसे बड़ी अच्छाई चीज़ है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको ऐसा कस्टमर बना के चलना है जो लाइफ टाइम आपसे जुड़ जाए, और आपकी कंपनी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। आप अपनी कंपनी का नाम ऐसा बनाएं कि लोग अगर जान जाएं कि इस कंपनी की है, जो भी आपकी कंपनी हो, तो उस कंपनी को बिना सोचे समझे वो ले लें, क्योंकि उन्हें आपके प्रोडक्ट पर उन्हें भरोसा रहेगा कि इसको मैं यूज कर चुका हूँ और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं कंप्लीट 45,000-40,000 की, तो इसमें आप 1,000 चप्पल आप 8 घंटे में प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। और भी मात्र 30,000-40,000-50,000 रुपये फंसा के अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं और 40,000 रुपये में कोई बिजनेस कर रहे हैं और उससे अगर कमाई 1,00,000 रुपये महीना आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसमें आप 40,000 रुपये लगा कर 1,00,000 कमा सकते हैं। आज के डेट में पान की दुकान खोलने में 50,000 का खर्चा आ जाता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी मशीन परचेज करनी है या आपके अगर कोई पहचान के हैं तो ठीक है ले लीजिए, अगर नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको चाहिए किसी कंपनी का नंबर, तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक में आप क्लिक करिएगा तो अंदर जाएंगे तो उसमें सारी जानकारी भी रहेगी, चप्पल के बारे में सारी जानकारी रहेगी और कंपनी का नंबर भी रहेगा। उसमें आप देख कर और कंपनी को फ़ोन लगा के आप सारी जानकारी कंपनी से भी ले सकते हैं।